काम करता है, अल्लाह अज़ल जलाल उसकी मौत की भी तैयारी रखते हैं और उसे 24 घंटे जन्नत की जमानत दिए रखते हैं। और वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वादिक मस्ततअत أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। सुबह जो पढ़ ले यकीन के साथ, शाम तक उसे मौत आ जाए ये जन्नती है। शाम को पढ़ ले, सुबह तक उसे मौत आ जाए वो जन्नती है। मेरे भाई, जिसने सुबह शाम ये दुआ पढ़ ली है उसकी सारी दुनिया लुट जाए है तो जन्नती ना, क्या उसको बाकी रह जाएगा जन्नत जब मिल जाएगी। वहां तो अल्लाह ने यह भी वादे किए हैं, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم। बाप का दर्जा बुलंद है, औलाद उस तरह पैरवी करती है लेकिन दर्जा उतना नहीं पा सकी। बाप ही अल्लाह से सिफारिश करेगा, अल्लाह मेरी औलाद को मेरे साथ ले, अल्लाह उसकी बात को मान के उसके दर्जे तक औलाद को भी पहुंचा देंगे। अगर औलाद नेक है, बाप वहां नहीं पहुंच सका तो अल्लाह उनकी बात मान के उनके वालिदैन को भी उस मुकाम पर पहुंचा देंगे। बाकी क्या बचा है? इसलिए दुनिया की परेशानियों से बढ़ के इस आखिरत की हुस्ने खात्मे की परेशानी होनी चाहिए। अल्लाह जो जलाल हमें ईमान की खूबसूरत कैफियत में रखे और जब बुलाए तो इससे भी खूबसूरत कैफियत में अपने पास बुलाए।